हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हमने वहां पर देखा था दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैट्रिसेस ए हमें गिवन है, मैट्रिसेस ए इक्वल 1 3 2 1, मैट्रिसेस बी इक्वल 2 3 1 2, मैट्रिसेस सी इक्वल 1 3 2 1 एंड 3 0। तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है यहां पे और हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी। ये हमें वेरीफाई करना है, इसे हम एसोसिएटिव लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले LHS पार्ट हम सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। सबसे पहले AB, यहां पर AB का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, A एंड B हमें पता है, इसे रो बाय कॉलम मेथड भी बोलेंगे। रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। सेकंड कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 से। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 3 9, यहां पर 1 प्लस 4 5 के और यहां पर 3 प्लस 2 5 के। अब हमारा ये पार्ट ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आ चुका है। अब सी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी के। तो यहां पर सी मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं। सी हमारे पास है 1 3 2 1 3 एंड 0। तो हम चलिए सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। सेकंड कॉलम से करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। थर्ड कॉलम से करेंगे 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ए बी 8 और प्लस 15 15 और 8, यहां पे 23, 9 और 15 15 प्लस 9 24, यहां पर 16 प्लस 5 21 के, 18 प्लस 5 23 के, यहां पर 24 प्लस 0 तो 24 ही आ जाएगा, यहां पर 27 प्लस 0 27 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा LHS पार्ट आ चुका है। अब हम RHS पार्ट सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर B और C की मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे B एंड C इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1।
आप थर्ड रो के थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ पर 3 × 3 + 2 × 0, तो हमारे पास BC क्या आ गया 2 + 3 3 × 2 5, यहाँ पर 3 × 6 6 + 3 9, यहाँ पर 4 + 1 5, यहाँ पर 6 + 2 8, और यहाँ पर 3 + 3 9, 3 × 3 9 9 + 0 9 के, और यहाँ पर 3 × 6 + 0 6 के। अब हम इसको, ये हमारा BC, ये ब्रैकेट वाला पार्ट आ चुका है, A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A × BC, A हमारा क्या है 1 3 1 3 2 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा से लिख लेते हैं ताकि करने में आसानी रहे इसको, 5 9 5 8 and 6 9। चलिए सोल्व करते हैं इसे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट उससे करेंगे 1 × 5 + 2 × 9 1 × 5 + 2 × 8 1 × 6 + 2 × 9। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 × 5 + 1 × 9, 3 × 5 + 1 × 8, 3 × 6 + 1 × 9। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे, ये हमारा क्या आ जाएगा A × BC के 9 × 18 + 5 = 23, 15 + 9 = 24, यहाँ पर 16 + 5 = 21 के, 15 + 8 = 23 के, यहाँ पर 18 + 6 = 24 के, और यहाँ पर 18 + 9 = 27 के। ये हमारा RHS पार्ट आ चुका है। चलिए दोनों की कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट्स की, 23 24 21 23 24 27, दोनों हमारे इक्वल है, यही हमें वेरीफाई करना था, LHS = RHS के। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या कह रहा है, आपने 12th क्लास में जिन स्टूडेंट के पास मैथ था वहां पर उन्होंने किया हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर, तो उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी, नए स्टूडेंट जिनके पास मैथ नहीं था उनको थोड़ा ध्यान देना इसमें। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। 7th क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पर हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का यूज नहीं करना है, उसके बगैर हमें मैट्रिसेस इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें मैट्रिसेस इक्वेशन दी हुई है 5 1 4 1 x = 1 1 - 2 and 3, वेहर एक्स इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स। यहाँ पर ये एक्स जो है ये हमें दिया हुआ है कि एक्स है जो 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और हमें इसको सोल्व करना है यहाँ पे। चलिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर एक्स को हम लेट कर लेंगे, 2 × 2 की मैट्रिसेज है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे 5 1 4 1, और एक्स की जगह हम एलिमेंट लेट कर लेते हैं कि A, B, C and D एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की है गिवन हमें, और इक्वल 1 1 - 2 and 3। चलिए सोल्व करते हैं इसे, यहाँ पर LHS पार्ट में आपको दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमें बताया था पिछली वीडियो में, कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, 5A + 4C, 5B + 4
डी सेकंड रो को करते हैं, ए प्लस सी बी प्लस डी इक्वल, ये हमें गिवन है 1, 1, -2 एंड 3। हमें पता है दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे, 5A+4C=1 के और A+C=1 के। चलिए सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5A+5C=5K। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास -C=-4K और C हमारे पास आ गया 4। चलिए अब यहाँ पर हम A+C=1 के हैं, यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देंगे तो CA=- हमारे पास -3 आ जाएगा। अब B और D की सेम तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, 5B+4D=-2 के गिवन है और B+D=3 के हमें गिवन है। यहाँ पर भी हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5B+5D=3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। और यहां से हम साइन चेंज करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास -D=-+ होते हैं और D=- हमारे पास आ गया 17। चलिए B+D=3 के इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास B की वैल्यू भी आ जाएगी -14 के। तो हमारे पास जो X मैट्रिसेस है उसके एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए, A-3, B=, यहाँ पर -14 और C=4 और D हमने 17 निकाला है। ये हमारे पास X मैट्रिसेस यहाँ पे आ गई है। चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। 8th क्वेश्चन में X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Find the value of x such that first part is का 2x3, second 1-3, 20, x3 इक्वल जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है और हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहां पर तीनों मल्टीप्लिकेशन में इनटू में दिए हुए हैं तो चलिए पहले इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। तो रो को कॉलम से, तो 2x को 1 से करेंगे तो 2x, 3 को -3 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k 9 आ जाएगा। अब सेकंड को कर लेते हैं, 2x को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4x आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो जाएगी एंड थर्ड को यहां पर हम लिख लेते हैं x3=0, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x-9 को x से मल्टीप्लाई, 4x+3=0 के। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 2x²-9x+3 को इससे करेंगे तो 12x=0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 12-2x², 12 में से 9 गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस में 3x=0
और x यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x plus 3 is equal to 0। तो यहां पर x की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, x is equal to 0 और x is equal to यहां पर minus 3 by 2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू यहां पर आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट एट्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 1 x 1 1 x 1 0 2 0 2 1। सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स 0 2 1 2 1 0, थर्ड कॉलम में 2 1 0 एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के हमें यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 by 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर इससे करते हैं 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम से करते हैं 1 को 2 से करेंगे तो 2 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, x को 0 से करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, और इनटू में हमें 1 1 1 ये 0 के इक्वल दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 1, यहां पर x प्लस 2 और यहां पर 3 इनटू में 1 1 1 इक्वल 0 मैट्रिक्स। चलिए इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू में है मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2x प्लस 1, 1 से करेंगे तो प्लस में x प्लस 2 प्लस में 3 को 1 से करेंगे तो 3 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के, 2x और x 3x हो जाएगा, यहां पर 3 टू 5 प्लस 6 इक्वल में 0 के आ जाएगा, और 3x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 के, ये माइनस 2 के आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, माइनस 2 के। चलिए थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, ध्यान से करना है, इसमें साइन की थोड़ी गलती हो जाती है तो बड़े ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और मल्टीप्लाई करते वक्त रो और कॉलम का हमें ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में 1 2 1 1 2 1, सेकंड मैट्रिक्स इज 1 2 1, फर्स्ट कॉलम में 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 1 2 x 1 2 x इक्वल 0 मैट्रिक्स के। तो हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम से करते हैं 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, थर्ड कॉलम से करते हैं 1 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा इनटू में दिया हुआ है 1 2 x इक्वल है 0 मैट्रिक्स के। तो चलिए यहां पर 4 और 2 6 के इक्वल आ जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 4 इनटू में 1 2 x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 1 से करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को x से करेंगे तो यहां पर 4x इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा, और यहां पर हमें 6 और 4 10, 4x प्लस 10 के इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 यहां पर आ गई है। चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को,
क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीप्लाई करते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशन पूरी होनी चाहिए, प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, ये पहले हमें चेक करना है कि डिफाइन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिसेस ए 1, 3, 4 मैट्रिसेस ए 1, 3 एंड 4 मैट्रिसेस बी हमें गिवन है, मैट्रिसेस बी 2, 3, 6 2, 3 एंड 6 1, 7, 8 मैट्रिसेस सी गिवन है 3, 5, 1 4, 6, 0 हमें यहां पर वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस ए सी के। तो चलिए सबसे पहले हम LHS पार्ट को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला पोर्शन बी प्लस सी इन दोनों को एडिशन करना है। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे, यहाँ पर 3/2 का है और यहाँ पर भी 3/2 का ऑर्डर है, तो आसानी से एडिशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले 2 + 3 = 5 1 + 4 = 5 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम प्लस कर देंगे, 3 + 5 = 8 7 + 6 = 13 6 + 1 = 7 और 8 + 0 = 8 के। तो ये हमारा बी प्लस सी पोर्शन आ चुका है, अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी प्लस सी। ए के एलिमेंट्स हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1, 3 एंड 4 और ये हमारा बी प्लस सी है 5, 8, 7, 5, 13 एंड 8। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले रो कॉलम से 1 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 24, 4 को 7 से करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब सेकंड से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 3 को 13 से करेंगे तो यहाँ पर 39 और 8 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये इसको 24 + 5 = 29 के और इसमें 28 और प्लस कर देंगे तो हमारे पास 57 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर 39 + 5 = 44 और 44 को हम अगर हम यहाँ पर 32 से करेंगे प्लस तो हमारे पास 76 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा RHS पोर्शन आ गया है A इंटू बी प्लस सी के। चलिए अब RHS साइड सोल्व करते हैं। RHS साइड में हमें गिवन है पहले ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है हमें और फिर बी ए और सी की करेंगे। सबसे पहले ए और बी की करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर ए सी भी हम साथ में ही निकाल लेते हैं इसके, ए और सी की, ए और सी की करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। सबसे पहले अभी हमें सेकंड कॉलम से और करना है, यहाँ पर सेकंड कॉलम से अगर हम करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 32 के इक्वल आ जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा 9 और 2 = 11 और 35 और यहाँ पर 22 और ये हो जाएगा हमारा 54 के इक्वल। अब हम यहाँ पर एसी पार्ट निकालेंगे, एसी ए और सी को हम निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा रब कर लेते हैं इसको, ए
एसी पार्ट निकालेंगे यहाँ पर, ए और सी। एसी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, थ्री को फाइव से करेंगे मल्टीप्लाई 15, फोर को वन से करेंगे तो यहाँ पर फोर आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करते हैं, वन को फोर से करेंगे फोर, थ्री को सिक्स से करेंगे तो यहाँ पर 18, और फोर को जीरो से करेंगे तो यहाँ पर जीरो के इक्वल आ जाएगा। ए सी इक्वल यहाँ पर 18 प्लस 4 22, और यहाँ पर आ जाएगा 22 के इक्वल। अब इन दोनों को सम करते हैं, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 35 और 22 यहाँ पर 57 के इक्वल आ जाएगा। 54 और 22 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 76 के इक्वल। ये हमारा RHS पोर्शन है और ये हमारा LHS पोर्शन है, दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मैट्रिसेस ए इक्वल दिया हुआ है और फाइंड ए स्क्वायर हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, मैट्रिसेस ए हमें गिवन है, वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर एंड फोर स्क्वायर, ये हमें एलिमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर। ए स्केयर को हम यहाँ पर ए इंटू ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी ए मैट्रिसेस की ए मैट्रिसेस से अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमारा ए स्केयर के इक्वल आ जाएगा। चलिए पहले इसके एलिमेंट्स को सोल्व कर लेते हैं, वन का स्केयर वन, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, फोर का स्केयर यहाँ पर 16 के इक्वल हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं, ए स्केयर इज इक्वल टू मैट्रिसेस वन नाइन फोर सिक्सटीन इंटू वन नाइन फोर एंड 16। सोल्व करते हैं इसे, रो को कॉलम से, वन को वन से करेंगे वन, फोर को नाइन से करेंगे तो यहां पर 36। अब सेकंड में वन को फोर से करेंगे तो फोर, फोर को 16 से करेंगे यहां पर 64। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, नाइन को वन से करेंगे नाइन, 16 को नाइन से करेंगे यहां पर तो 144 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम से करेंगे, नाइन को फोर से करेंगे तो 36, 16 को 16 से करेंगे यहाँ पर तो 256 के हमारे इक्वल आ जाएगा। तो ए स्केयर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 37, और ये आ जाएगा 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 153, और यहाँ पर आ जाएगा 68, और यहाँ पर 36 को अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा ए स्केयर यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, यहां पर 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को यहां पर सोल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, मैट्रिसेस ए इक्वल सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स ए इक्वल, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 0 4 0 4 0 0, ये हमें गिवन है और फाइंड हमें करना है ए 16, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर हमें अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए इंटू ए, मैट्रिसेस ए को मैट्रिसेस ए से ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। तो चलिए सोल्व करते हैं, 4 0 0 0 इंटू 0 4 0 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, इसको करेंगे 4 को 0, 0 को 4 से करेंगे 0, यहां पर भी हमारा 0 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 0
जीरो जीरो और ये आ जाएगा हमारा ए स्केयर। हमें पता है यही एक मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है तो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, और अगर हम इसका चाहे कितनी ही पावर यहाँ पर निकाल ले ए 16 में निकालेंगे तो भी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा ए 16 हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को यहां पर सोल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन के हमें थर्ड पार्ट को हमने छोड़ दिया, वो सेम है, उसका प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और अगर आपको ये कोई इसमें परेशानी है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल देना तो उसको हम आगे सोल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ का फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर क्या करा, मैट्रिसेस ए इक्वल 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2 फाइंड करना है हमें ए स्केयर माइनस 5a माइनस 14i वेयर i इज ए यूनिट मैट्रिक्स। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, उसकी वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। यूनिट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जैसे अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 1 0 0 1 जिसके डायगनल एलिमेंट्स 1 हो तो वो हमारी क्या जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स। नॉन डायगनल एलिमेंट्स है जो वो हमारे 0 होंगे और डायगनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स, तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए स्केयर निकालेंगे हम यहाँ पर, ए स्केयर में पता है अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को तो हमारे पास ए स्केयर आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2। चलिए इसे सोल्व करते हैं, 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस 5 को माइनस 4 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस के 20 आ जाएगा, 3 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 4 को 3 से करेंगे तो माइनस 12, 2 को माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 4 को माइनस 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा प्लस का, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो चलिए हमारा ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 29 माइनस माइनस प्लस होता है 20, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर 24 के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट में हमें 5a फाइंड आउट करना है, 5a ये हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यदि एक स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स से के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके एवरी एलिमेंट्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, 5 3 15 माइनस 5 4 20 5 5 25 एंड 5 2 10 और 14i यहाँ पर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये भी, तो 14i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 14 0 0 14। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए स्केयर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर की जगह हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24 माइनस 5a हमारा यहाँ पर ये है 15 माइनस 20 माइनस 25 एंड 10 के माइनस 49 यहाँ पर हमारा किसके इक्वल है, 14 0 एंड 0 एंड 14 के। चलिए इसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस का हमें डिफरेंस निकालना है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस 29 माइनस 15 यहाँ पर 14 के, माइनस 20 प्लस 20 हो जाएगा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, माइनस 25 और प्लस 25 जीरो, 24 माइनस 10 के यहाँ पर 14 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस ये वाली
रख देंगे हम यहाँ पर 14 0 0 एंड 14 को, सेम मैट्रिसेस हमें एलिमेंट्स सेम है, तो यहाँ पर किसके 14 माइनस 14 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 14 माइनस 14 0 के, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बड़े ध्यान से करना है इसको, और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको बड़े ध्यान से लेना है कि 2x2 की मैट्रिक्स ले या 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पर ले, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ कुछ इस क्वेश्चन की तरह ही सेम है, चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, इफ द मैट्रिसेस ए, मैट्रिसेस ए यहां पर गिवन है 5 12 3 7, 2x2 की मैट्रिक्स यहां पर गिवन है, वेरीफाई दैट, यहां पर हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 12a - i = 0, i इज ए यूनिट मैट्रिक्स, यहां पर हमें वेरीफाई करना है कि ये अगर हम इस LHS पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। चलिए पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 12 3 एंड 7, और इसको 5 12 3 एंड 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 3 को 12 से करेंगे यहां पर 36, 5 को 3 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 15, और 3 को 7 से करेंगे तो 21, 12 को 5 से करेंगे 12 5 = 60, 7 को 12 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 12 को 3 से करेंगे 36, 7 को 7 से करेंगे तो यहां पर 49 के इक्वल आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हमारा यहां पर आ गया, प्लस कर लेते हैं इनको 6 5 11, और यहां पर ये 3 36 9 6 5 85 के यहां पर इक्वल आ गया। 12a को यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं, 12a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहां भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक पार्ट्स को तो ये आ जाएगा 60, 12 3 = 36, 12 को 12 से करेंगे 144, और ये आ जाएगा हमारा 84। चलिए अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारी जो है पहले ए स्क्वायर है हमारे पास 61 144 36 85 - 60 144 36 84 - आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, सोल्व करते हैं इसे, 61 - 60 पहले दोनों का डिफरेंस 1, 36 - 36 0, यहां पर भी 0 हो जाएगा, 85 में से 84 गए माइनस, और यहां पर 1 0 0 1, और यहां पर दोनों ही सेम एलिमेंट्स हैं दो मैट्रिक्स के, तो यहां पर किसके 1 - 1 0 0 - 0 0 और 1 - 1 0, तो ये हमारा 0 के इक्वल आ गया है, यही हमें वेरीफाई करना था। सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 के यहां पर दो पार्ट्स दिए हैं, फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ए गिवन है हमें 1 - 1 एलिमेंट्स 1 - 1 एंड 0 7, और आई मैट्रिक्स हमें यहां पर गिवन है 2x2 की 1 0 एंड 0 1, और हमें फाइंड के सो दैट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड के
so that a square is equal to 8a plus ki, ये हमें यहाँ पर गिवन है और हमें फाइंड करनी है यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a square यहाँ पर निकालेंगे, मैट्रिसेस a को मैट्रिसेस a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा a square। चलिए सोल्व करते हैं, 1 माइनस 1 0 7 1 माइनस 1 0 7, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस 1 और 7 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 7, माइनस 1 को 0 से करेंगे तो 0, 7 को 7 से करेंगे तो यहां पर 49 के इक्वल आ जाएगा। तो a स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर 1 माइनस 8 और 0 और यहां पर 49 के इक्वल आ जाएगा। 8a यहां पर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन आ गया है, 8a मैट्रिसेस a को हर एक एलिमेंट्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0 माइनस 8 8 7 जा 56। चलिए इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यू, सबसे पहले a स्क्वायर हमें फाइंड आउट है, 1 माइनस 8 0 एंड 49 इज इक्वल टू यहां पर ये पुट कर लेंगे 8 माइनस 8 0 एंड 56 प्लस के आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट्स को तो यहां पर आ जाएगा के 0 0 के। तो सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे और इक्वल में पुट कर देंगे, 1 माइनस 8 0 49 इक्वल 8 प्लस के माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 आ जाएगा, यहां पर 0 प्लस 0 0 के 56 प्लस के। तो यहां पर हमें के की वैल्यू यहां पर चलिए सोल्व करते हैं, 8 प्लस के इज इक्वल टू 1, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो के इज इक्वल टू 1 माइनस 8 और के की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी माइनस 7 के। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, यहां पर सेकंड पार्ट को यहां पर सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा ध्यान देना है इसको और प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। सेकंड पार्ट में हमें यहां पर a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 4 3 4 माइनस 2 एंड माइनस 2, i इज इक्वल टू 2 बाय 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें फाइंड k निकालना है और k इज इक्वल फाइंड यहां पर भी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2ik, यहां पर हमें ये वैल्यू गिवन है। चलिए सोल्व करते हैं इसे, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर a मैट्रिसेस को a मैट्रिसेस से ही हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसे, 3 3 9 माइनस 2 को 4 से करेंगे माइनस 8, 3 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 6, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस 2 को 8 से करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, 4 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 8, माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा और a स्क्वायर हमारा 1, 12 माइनस 8 4 और यहां पर माइनस 2 और यहां पर माइनस 4 के इक्वल आ गया। और के ए हर एक एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा ke आ जाएगा, 3k 4k माइनस 2k एंड माइनस 2k और 2i को भी हम यहां पर निकाल लेते हैं, 2i को हर एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 2i के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर हमारे पास 1 4
माइनस टू माइनस फोर इक्वल के ए, थ्री के, फोर के, माइनस टू के एंड माइनस टू के, माइनस टू जीरो जीरो एंड टू। तो सबसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन फोर माइनस टू माइनस फोर इक्वल थ्री के माइनस टू, फोर के माइनस जीरो, फोर के इक्वल आ जाएगा, माइनस टू के माइनस जीरो, माइनस टू के, माइनस टू के माइनस टू। तो दो मैट्रिसेस हमें यहाँ इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर, तो हमारी क्या आ जाएगी, थ्री के माइनस टू इजिकल टू, ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा वन के, तो थ्री के इजिकल टू माइनस टू थ्री, और के इजिकल टू थ्री बाय थ्री, यहाँ पर वन के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।